गांठ बांध लीजिए भैया, ये जो मनी राम है ना, मन, ये बड़ा खतरनाक है। 2 मिनट तो भगवान की कथा में लगेगा, फिर उचट जाएगा, क्योंकि मन को आदत है घूमने की। काहे की ऐसे करो, मन को आदत है घूमने की, यत्र तत्र भागने की, ये मन की आदत है। मन को मारना है, मन को समझाना है, मन की बुद्धि ठिकाने लगानी है, तो भैया आप रामचरितमानस पढ़ो। पढ़ो भर नहीं, पढ़ने के साथ साथ गढ़ो। कैसे? जैसे एक राजा था, राजा के पास में एक बकरी थी। बकरी तो जानते ना, भाषा समझ आ रही? राजा के पास एक बकरी थी। राजा बड़ा बुद्धिमान था। राजा ने घोषणा की कि जो हमारी बकरी की छुदा तृप्त कर देगा उसे हम 2000 मोहरे देंगे। छुदा माने भूख। अच्छा, बकरी को कितना भी खिलाओ और हरी हरी पत्ती सामने रख दो तो वो मुंह मारे ही देती है। तो बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े चरवाहे, बड़े बड़े व्यक्ति गए राजा के पास, महाराज एक दिन के लिए बकरी हमें दो, हम उसको तृप्त करके लाएंगे, उसका पेट भर के लाएंगे। अब दिन भर चराएं, पत्ती चबाबें, चरवाबें, न जाने क्या क्या बकरी को। और शाम को राजा बोले हम ऐसे नहीं, लो महाराज पेट भर गया राजन। राजा कहे हम ऐसे नहीं मानेंगे, टेस्ट करेंगे, टेस्ट कर लीजिए। और जहां राजा ने हरी हरी पत्ती रखी सो बकरी ने चबाना फिर प्रारंभ कर दिया। राजा बोले भैया आपको बोले महाराज हम तुम्हारी बकरी की छुदा तृप्त कर देंगे पक्का। राजा बोले महाराज आप ठहरे साधु, कहां इन झंझटों में पड़ रहे, अपना भजन करो, उसको तृप्त नहीं होना है, वो अब रहने दो। महात्मा बोले नहीं नहीं नहीं, हम तृप्त कर देंगे, गारंटी है। अच्छा ठीक है महाराज ले जाओ। महात्मा ले गए तो पत्ती चबाई नहीं, एक लाठी ली दुई हाथ की। अब बकरी जो पत्ती खाने को जावे सो 4 डंडा धबक दे। अब बकरी थोड़ा देर शांत, अब दूसरी डाली के पास, पेड़ के पास जावे तो महात्मा फिर 4 डंडा धमक दे। पूरे दिन रगड़ रगड़ के डंडा मार मार के पतली हालत कर दी बकरी की। शाम हुई, राजन तुम्हारी बकरी पूर्णतया तृप्त है। राजा बोले महाराज आज तो उल्टा दिख रहा, पेट पिचका हुआ दिख रहा, तृप्त होना तो बड़ी विचित्र बात। बोले खिला के दिखा लो, अगर खा ले तो। और जब राजा ने सामने पत्ती रखी और महात्मा ने दुई हाथ का डंडा धीरे धीरे ऐसे हलाया तो जो बकरी खाने वाली थी उल्टा मुंह कर ली, क्योंकि दिन भर की पिटी धरी थी, उसे पता था राजा इस तरफ करे वो इस तरफ मुंह करे, राजा इस तरफ करे वो इस तरफ। महाराज ये हुआ कैसे? बोले ये पत्ती खिलाने से नहीं हुआ, ये डंडा मारने से हुआ है भैया। मतलब ये जो मन है ना, ये मन बड़ा खतरनाक है, इसके अनुरूप काम करोगे तो ये वासना भोग बढ़वाता ही रहेगा, और इसे ज्ञान का, विवेक का और भगवत राम चर्चा का डंडा मारते रहोगे तो ये मन भी एक दिन सुधर जाएगा। तो मन को सुधारना है तो राम चर्चा बहुत जरूरी है, श्री रामचरितमानस जीवन में बहुत जरूरी है।